संख्या दे दिया गया और पूरे शरीर से फूट फूट के निकलने लगा और शरीर रहने योग्य ना बचा, तब महर्षि दयानंद ने अंत में कहा था, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की और अपनी जीवन लीला समेट ली। माने महाभारत के भीष्म पितामह के बाद आधुनिक भारत में कोई मृत्युंजयी सन्यासी कि माने जब देखा कि शरीर रहने योग्य नहीं बचा है तो वासान से जीर्णान यथा विहाय नवान गृहाते नरो प्राणी तथा विहाय जीर्णानी शरणानी अन्यानी संयाति नवानी देह, अपनी इच्छा से देह को त्याग किया मृत्युंजयी कोई सन्यासी था तो महर्षि दयानंद थे। और इतने बलवान थे कि पहलवान आ गए और बोले भाई इसको नदी में डुबो के मार दो इस सन्यासी को, तो नदी तक ले गए और जब नदी में डुबोने लगे तो एक गुंडे को एक मस्टंडे को दाई तरफ दूसरे मस्टंडे को बाई तरफ बगल में दबाया और नीचे प्राणायाम भर करके और बैठ गए 10-15 मिनट तक और जब दोनों छटपटाने लगे तो दूसरी किनारे जा करके निकल गए। राजा कर्ण सिंह ने जब अपनी तलवार तानी उनकी का शीश काटने के लिए तो उस तलवार को उल्टा ऐसे मोड़ा दबाया तो तलवार टूट गई। बोले युद्ध करना है तो जयपुर और जोधपुर नरेश से जाकर के करो, एक सन्यासी के ऊपर हथियार उठाना कायरता है। मानी एक ऐसा सन्यासी, जब लोगों ने देखा कि सन्यासी के भीतर तो बल भी अप्रतिम है तो आजकल वाले बहुत से बाबा इस चक्कर में पड़ गए। एक सुंदरी को भेजा कि सुंदरी से काबू करो इस बाबा को। घनघोर अंधेरे में जब महर्षि दयानंद के पास सुंदरी को भेजा गया और चारों तरफ से अराजक तत्वों ने घेर रखा था महर्षि दयानंद के उस कुटिया को जहां वो जंगल में निवास करते थे, किसी गृहस्थ के निवास नहीं किया करते थे, जंगल में निवास किया करते थे, तो कुटिया को चारों तरफ से अराजक तत्वों ने घेरा हुआ था, पाखंडियों ने घेरा हुआ था कि ये सन्यासी का मन बिगड़ेगा, मन बहकेगा और उसको यही खत्म कर देंगे कि देखो इसने कलंकित कर दिया सन्यास को। सुंदरी अंदर गई और सुंदर आभूषण, खूबसूरत बदन, भरा यौवन और कहने लगी चरण छू करके कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। ऋषि दयानंद ने आँख खोली और देखी कि रात के अंधेरे में ये कौन नारी यहाँ पर आई है और जैसे उसने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ तो अनायास ऋषि दयानंद के मुख से निकला, माँ मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लो, मुझसे ज़्यादा और बेहतर कौन होगा। मैंने ऐसा महान सन्यासी जिसका चरित्र हिमालय से ऊंचा था, जिसकी वक्र सागर से भी ज़्यादा गहराई थी, अग्नि जैसा तेज था, वायु जैसा वेग था, धरती जैसा धैर्य, आकाश जैसी विराटता जिस महापुरुष के अंदर थी, उस महापुरुष का चरित्र निभाने का अवसर भी शिवेंद्र ओम को मिला है तो मुझे लगता है इसको भी अभी शादी होगी कि बाकी है। नहीं हुई है तो अभी फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये महर्षि दयानंद का चरित्र निभाएंगे, क्योंकि एक किसी चरित्र को जीने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है। मैं वहीं बैठे बैठे पूछने वाला था अच्छी बात है आजकल तो सलमान ने भी शादी नहीं कर रखी, 50 के आसपास का हो चुका है 52 के आसपास हो गया, राहुल जी ने भी शादी नहीं कर रखी और बाबा तो बिना शादी वाला है, वजीर भी हिंदुस्तान का मोदी, आजकल बिना शादी करने वालों की मौज हो रही है साहब इसलिए जिसको बड़ा काम करना हो, कोई बड़ा फकीर बनना हो या मोदी जी की तरह कोई बड़ा वजीर बनना हो तो शादी ना कराना रे भाई। और वैसे भी हम महाराष्ट्र की धरती पर बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर तो शादी भी करते हैं तो सावधान 5 बार बोलते हैं और फिर भी कोई सावधान ना हो तो फिर फेरे फेर देते। तो मैंने सुना यहाँ वो फेरे का भी चक्कर नहीं है, ए मराठी लोग कितने इधर अब तो तुम भी मराठी होगी, देसाई तो गुजराती होते हैं, मराठी शुभम क्या बोलते हैं शुभ मंगलम सावधान, शुभ मंगलम सावधान।
और फिर फेरे तो नहीं होते ना इधर होते फिर चावल छिड़क देते हैं सात फेरे बाद में होते हैं। शुभम मंगलम सावधान, और पांच बार बोलने के बाद भी कोई सावधान ना हो तो फिर फेरे फेर देते हैं, फिर फेरे में डाल देते हैं। तो ये तो अच्छा हो गया। चरित्र भी आपने पंकज जी नीरज जी पंकज जी नीरज जी एक पर्यायवाची शब्द है, तो इसके लिए नीरज को भी धन्यवाद दो कि उन्होंने बाई चांस ऐसा ढूंढ लिया जो अब महर्षि दयानंद अमिताभ जी बहुत बहुत अभिनंदन है। माने महर्षि दयानंद एक बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, और जिसको कहते हैं मृत्युंजयी ब्रह्मचारी और मृत्युंजयी सन्यासी थे। उसका चरित्र करने के लिए शिवेंद्र ओम जैसे बहुत ही प्रखर ऊर्जावान बहुत साहसी युवक की आवश्यकता थी, और हमें प्रसन्नता है कि वो महर्षि दयानंद की भूमिका महर्षि दयानंद की तरह ही पूरे जीते हुए किसी भी रोल को करने के लिए आपको वैसे ही जीना पड़ता है। वैसे मैंने भाई मधुर जी की तरह या नितिन जी की तरह इस फिल्मी दुनिया में कभी काम नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि जिस करेक्टर को व्यक्ति पर्दे पर करता है निभाता है तो उसको पूरा उसमें खोना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो हमारे भाई शिवेंद्र होम जी से लेकर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जिस चरित्र को जी रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो करके उसको जिएंगे, और बहुत अच्छे दिन से इसकी शुरुआत हो रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये कार्य शुरू हो रहा है क्रांतिकारी सन्यासी का चरित्र देश के सामने लाने का, और मुझे पूरा विश्वास है इस विद्रोही सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से, उनके चरित्र से, उनके आदर्श से, उनके आचरण से, उनके कार्यों से, उनके दृष्टिकोण से देश के करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियों को, इस देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को एक नई दिशा मिलेगी। माने खाली मनोरंजन ही नहीं, खाली एंटरटेन ही नहीं, उससे हमें कुछ सीखने को मिले। चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंच महायज्ञों, 16 संस्कारों की पावनी परंपरा, और राष्ट्र निर्माण के साथ मानव निर्माण का जो महर्षि दयानंद का सपना था उस तरफ ये देश आगे बढ़ेगा, ऐसी शुभ इच्छा रखता हूँ। और पुनः एक बार भाई मधुर भंडारकर जी को, भाई नीरज जी को, और हमारे भाई अमिताभ सिन्हा जी को, और नितिन जी को, सबको एक बार इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे मीडिया के भाइयों को भी बधाई देता हूँ कि महर्षि दयानंद के ऊपर पहली बार ये सीरियल बन रहा है, उसके लिए आपका भी हमें सहयोग पूरा मिलेगा। आप लोगों की वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मैं गुरुकुल के बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, आर्य समाज के संस्कार मुझे बचपन में मिले थे। आर्य समाज के लोग महर्षि दयानंद के ऊपर कोई सीरियल नहीं बने, कोई पिक्चर नहीं बने, इसके लिए आंदोलन कर देते थे, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ इसलिए चुप रहेंगे, शांत रहेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि महर्षि दयानंद तमाम तरह की नाटकबाजी चलती थी, नौटंकी चलती थी, उसके भी खिलाफ रहते, लेकिन अब युग बदल गया। उस समय जो नौटंकी करते थे महर्षि दयानंद क्यों विरोध करते थे, जो किसी महापुरुष का रोल करते थे वो उनका चरित्र अच्छा नहीं होता था। रोल कर रहे भगवान कृष्ण का और बाद में फिर सुल्फा पी रहे, तो महर्षि दयानंद ने देखा तो उन्होंने अपने उपदेशों में इसका विरोध कर दिया था कि भाई ये जो नौटंकी करते हो तुम महापुरुषों के नाम पर, तुम ये ढोंग करते हो, पाखंड करते हो, तुम उन ऋषियों जैसा महापुरुषों जैसा चरित्र जीते नहीं हो, और उनके नाम पर तुम जो नाटक करते हो ये ठीक नहीं। तो इसलिए आर्य समाज के लोगों ने महर्षि दयानंद के ऊपर कोई सीरियल ही नहीं बनने दी। पहले किसी ने एक दो बार सोचा भी तो, लेकिन ये पहली बार एक लीक से हट करके भी वैचारिक दृष्टि से काम हो रहा है, और मुझे लगता है ये अपने आप में अभूतपूर्व हो। महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद। महाराज जी के साथ आए हुए माननीय के पिती जी का
मनहास जी का भी बहुत स्वागत है। मैं बहुत से नाम बोल रहा हूँ, मुझे माफी चाहते हुए। धन्यवाद स्वामी जी, आप यहाँ पे आए, सब लोग का आशीर्वाद दिया। नीरज जी जो मेरे साथ काफ़ी साल से जुड़े हुए, मनोज त्यागी जी, सुधीर भाई, बहुत धन्यवाद आप लोग का कि जब आपने कहा कि एक इस तरह का एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो हमारी टीम जितना हो सके मेरा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एज अ क्रिएटिव इस सीरियल में मैं डेफिनेटली दूंगा। और बहुत बहुत बधाई पूरे टीम को, सब एक्टर्स को जिन्होंने, और नीरज जी को कि किस तरह से उन्होंने एक अलग टाइप का जो सीरियल है जो पहली बार दयानंद जी पे बनाई जा रही है, और सब लोग का, आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। महाराज जी मैं एक चीज़ और मांगना चाहता हूँ, मैं सुधीर भाई का भी बहुत धन्यवाद, और एक मनोज जी जो हैं, मनोज जी की एक ड्यूटी जरूर लगे कि शनिवार इतवार हम लोग देखें कि कोई गलती तो नहीं हो रही हमारे से। बस तुम्हारी गलती देखने के लिए मैं तुम्हारे सिर पर रहूंगा जी जी का। और जो है इस सीरियल को जो देश के जाने पहचाने तीन चार जो बड़े चैनल हैं उनसे मैंने दो से तो तुरंत बात की, तो दोनों बड़े चैनल हैं, इंटरनेशनली वो एस्टेब्लिश चैनल है, तो दोनों ने कहा होड़ लगी हुई है कि स्वामी जी हमको दे दो ये सीरियल, हमको दे दो। तो मैं उन चैनलों का भी धन्यवाद करता हूँ, उन जो है टीवी चैनलों का भी, कि मैंने प्रस्ताव जैसे ही रखा तो चैनलों में होड़ लग गई कि ये सीरियल हमारे चैनल पर आना चाहिए। तो उसके लिए भी उन चैनलों का भी शुक्रिया करेंगे। अभी इसी महीना ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से नेटवर्क पर ये महर्षि दयानंद का चरित्र जाएगा, उससे उस चैनल का भी यश और बढ़ेगा। और बाकी तो आपके सहयोग में सब लोग रहेंगे, मैं भी इसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालूंगा। मीडिया वाले बंधुओं से रिक्वेस्ट है आप लोग हेलीपैड की तरफ सारे, महाराज जी एक अंदर राउंड मार के फिर उधर जा रहे हैं।